देख रहे हैं द एंगल, मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान की गहलोत सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। ये मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कैबिनेट की बैठक में मंत्री आपस में भिड़ गए। कांग्रेस एक के बाद एक हो रहे इन घटनाक्रमों को मैनेज भी नहीं कर पा रही कि अब एक और मामला सामने आ गया है। बाड़मेर के जिला प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई बाड़मेर में होते हुए मुख्यमंत्री के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में 5 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट और मेडिकल सुविधाओं का शिलान्यास किया। जालौर में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर सुखराम विश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र विश्नोई पिछले दिनों कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। कार्रवाई नहीं होने से मंत्री की नाराजगी की बात सामने आ रही है। हालांकि मंत्री ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। बाड़मेर आना और कमांडो का साथ नजर न आना बना चर्चा का विषय। मंत्री सुखराम विश्नोई का जालौर जिला कलेक्टर की गाड़ी में बाड़मेर आना और कमांडो का भी साथ नजर न आना चर्चा का विषय बना हुआ है। सुखराम विश्नोई बाड़मेर के जिला प्रभारी मंत्री है। मंत्री के बेटे पिछले दिनों झाप थाने के आगे चल रहे धरने पर भी जाकर बैठे थे। तब से सोशल मीडिया पर सुखराम विश्नोई की नाराजगी की चर्चा चल रही है। खास बात यह है कि प्रभारी मंत्री खुद की गाड़ी लेकर नहीं आए, वे जिला कलेक्टर की गाड़ी में पहुंचे। मंत्री के साथ उनके कमांडो भी नहीं थे और जिला प्रभारी होने के नाते 17 करोड़ के वर्चुअल कार्यक्रम में भी शरीक होने से पहले ही जैसलमेर जिले के लिए रवाना हो गए। वैक्सीन मुद्दे पर पहुंचे थे बाड़मेर। फ्री वैक्सीन को लेकर कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद राजस्थान सहित देश भर में अभियान चलाया गया था। प्रदेश के सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में प्रेस वार्ता कर राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया। इसी ज्ञापन को देने के लिए जिला प्रभारी सुखराम विश्नोई बाड़मेर पहुंचे थे। हालांकि सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से जारी प्रेस नोट में प्रभारी मंत्री का वर्चुअल लोकार्पण में शरीक होने का कार्यक्रम था। जालौर में पीड़ित लोग धरने पर प्रभारी मंत्री सुखराम विश्नोई से पूछा गया कि जिला कलेक्टर की गाड़ी लेकर आए और कमांडो भी साथ नहीं है, सरकार के साथ सब कुछ ठीक तो चल रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि गाड़ी खराब है और कमांडो के सवाल पर बोले, ये लोगों के दिमाग का भ्रम है। बेटे के धरने पर बैठने के सवाल पर बोले, जालौर में पीड़ित लोग धरने पर बैठे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि इनका सहयोग करें। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, अब धरना समाप्त हो गया है। जालौर जिले के जिलातरा गांव में 25 मई को एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन 30 मई को धरने पर बैठे। उनके साथ सुखराम विश्नोई के बेटे डॉक्टर भूपेंद्र विश्नोई के साथ कुछ अन्य कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। वहीं इस मामले में जालौर पुलिस अधीक्षक को हटाने की मांग की जा रही है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सुखराम विश्नोई नाराज चल रहे हैं।